अगर आप पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के मालिक हैं, दुकान घर, और आप उसे किराए पे देना चाहते हैं, तो दो तीन उसूल बता रहा हूँ सिंपल कि आप उसे कैसे किराए पे लगा सकते हैं बगैर किसी डीलर के, या ख़ुद कैसे उसको लगा सकते हैं। सबसे पहले ये करना है कि आपने रेंटल वैल्यू को डिसाइड करना है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका रेंट कितना होना चाहिए। वो इर्द गिर्द की प्रॉपर्टियाँ आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसका किस हिसाब से क्या रेंट आ रहा है, और आपने भी वही रेंट डिमांड रख लेनी है या उससे थोड़ा सा ऊपर उससे थोड़ा सा नीचे कर लेना। दूसरी बात यह है कि आपने फिर उस प्रॉपर्टी को रेंट के लिए मार्केट करना है। वो रेंट के लिए आप कैसे मार्केट करेंगे? पहली बात यह कि आप उसे अखबार में भी इश्तहार दे सकते हैं, दूसरा आप किसी वेबसाइट पर भी उसका ऐड लगा सकते हैं, तीसरा अपने घर के ऊपर साइन बोर्ड लगा सकते हैं, कोई पोस्टर लगा सकते हैं कि घर खाली है, दुकान, उस पर अपना मोबाइल नंबर दे दें, लोग आपको रब्ता करेंगे। चौथा ये कि जो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट एजेंट्स जो उस एरिया के करीब जो रियल एस्टेट एजेंट बैठा हुआ है और प्रॉपर्टी डीलर, आप उसका भी इंतखाब कर सकते हैं रेंट के लिए। और उसके बाद जो तीसरा स्टेप है मोनी है कि आप एक अच्छे, जब आपने ये सारा कर लिया, आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, उसमें से किसी अच्छे किराएदार का इंतखाब करें, किसी गलत बंदे, गुंडे, दहशतगर्द, किसी ऐसे किस्म के माफिया के हाथ ना चढ़ दें कब्जा, तो समझ आ गई। चूज़ द राइट टेनेंट, अच्छे उसको इंतखाब करें। वो आपको देख के ही पता लग जाएगा कि फैमिली है, प्रॉपर है, पीछे से किधर से है, किस हिसाब से, शनाख्ती कार्ड देखा, डाटा देखा। और उसके बाद आखिरी बात कि एग्रीमेंट करें, प्रॉपर एग्रीमेंट। एक तो जो रेंट रजिस्ट्रार होता है स्टाम्प, उसके ऊपर एग्रीमेंट करें, और साथ साथ पुलिस स्टेशन के अंदर भी इसका इंदिराज करें, जो कि टेनेंट एक्ट के तहत लाजमी है 15 दिनों के अंदर, ये भी करें। इससे आपकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा और रोला लफड़ा नहीं होगा। और आखिरी ये कि अपनी प्रॉपर्टी की तस्वीरें उस टाइम ज़रूर ले लें, ताकि जब बाद में वो खाली करें तो पता हो कि इसमें चेंजेस क्या हैं। पंखा लाया सी, नई सी लाया, वीडियो पूरी बना लें। कल को वो कहता है यार इसमें तो पंखा ही नहीं था लगाया, तो आपके ये देखिए वीडियो मैंने बनाई थी, और वीडियो उसको भी भेज दें ताकि कल को उसमें कोई डिफरेंस हो तो आप उसकी सिक्योरिटी जब्त कर सकें। ये चार उसूलों पे इंशाल्लाह अगर आप प्रॉपर्टी देंगे तो आपको मसाइल भी नहीं होंगे, और इंशाल्लाह आपको एक हलाल आमदन भी आएगी। मज़ीद फॉलो करें यूट्यूब, टिकटॉक, और इसी तरह इंशाल्लाह आपके लिए वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट करें। शुक्रिया।